सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आलस टू मार्केट। आलस टू मार्केट में एक बार फिर से इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस स्टॉक में हमारे पास एक कमेंट नहीं, कम से कम 80-100 कमेंट होंगे जिनका रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस है, आप लोगों के जो साथ हो रहा है, क्योंकि स्टॉक में लग गया LC, स्टॉक में लग गया LC। अगर 5 डे में देखो तो स्टॉक में 9% की गिरावट है, 6 मंथ में 126% का रिटर्न। लोग हाई पे फंस चुके हैं, लोगों ने स्टॉक को हाई पे खरीद लिया, वो लोग स्टॉक में फंस चुके हैं। तो वो लोग क्या करें, स्टॉक को सेल कैसे करें, क्या स्टॉक को सेल करना चाहिए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें। सबसे पहली बात, इन लोगों का क्वेश्चन आ रहा है सर स्टॉक को सेल कैसे किया जाए। तो भाई सेल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, सेल करने का आखिरकार फ़ायदा क्यों नहीं, तो भाई स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं है। अगर मतलब 7,000 का वॉल्यूम है, अब अगर स्टॉक को आप सेल करने जाओगे, अगर आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो तो सामने आपके बाय करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इस स्टॉक में बाइंग करने वाला कोई भी नहीं है, एक काद बंदा भी नहीं स्टॉक में बाइंग करने वाला। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि आपका ये स्टॉक सेल नहीं होगा। चाहे किसी यूट्यूबर को देख लो, चाहे कितना बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे कोई एक रास्ता हो, कितने भी रास्ते हो, सब रास्ता ठप है। जब भाई मार्केट में बाइंग करने वाला ही कोई मतलब कोई खरीदार ही नहीं है, तो आपकी चीज़ सेल कैसे होगी, कैसे बिकेगी आपकी चीज़। तो इस स्टॉक में वही हाल हो रहा है, अगर आप स्टॉक को सेल करने जाओगे तो आपका स्टॉक सेल नहीं होगा। आपके पास अब एक ही रास्ता है अब लॉस से बचने का, अगर आप लोगों ने हाई पे स्टॉक को खरीद रखा है, सिर्फ एक रास्ता, अपना सेलिंग प्रेशर हटा दो। आप जो भी सेल करने की कोशिश कर रहे हो, सेल तो होगा नहीं, सेल करने की कोशिश कर रहे हो उसको छोड़ दो, लॉस हो रहा है वो होने दो, सेलिंग प्रेशर हटा दो। तो उससे ये चांस होगा, 50% की चांस होगा, अगर आप लोग अपना अपना सेलिंग प्रेशर हटा दोगे तो कम से कम आपका ये LC खुलने का चांस तो बनेगा, कम से कम लोअर सर्किट खुलने का चांस तो बनेगा। अगर आप लोग स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करोगे तो स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और स्टॉक कम से कम यहाँ तक आते हुए दिख सकता है, हाफ जो लेवल होगा राउंड फिगर 30 रुपये तक स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। अगर आप लोग अपना सेलिंग प्रेशर हटा लोगे तो हो सकता है स्टॉक में जल्द बाउंस बैक देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि जल्दी स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिले। बट अब अगर आप अपना सेलिंग प्रेशर हटाओगे तो, अन्यथा स्टॉक में ये गिरावट होगी, ये बात क्लियर है, क्योंकि स्टॉक को यहाँ पे किसी बड़े ऑपरेटर ने माल खरीद के ऑपरेट कर दिया। इस स्टॉक की गूगल ऐड हुई है और यहाँ पे फर्स्ट डे धीमे धीमे उसके बाद ऑपरेटर ने माल धीमे धीमे बेचने की कोशिश की है। जब स्टॉक अपर सर्किट में था, ये जैसे स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है, तो ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर ने देखा जितना बाइंग प्रेशर है उतनी उतनी क्वांटिटी उसने बेचने की कोशिश की, और जिस दिन LC लगा उस दिन उसने बड़ी मात्रा में बेच दी, इसलिए स्टॉक में LC लग गया। आपके पास रास्ता एक ही, स्टॉक में सेलिंग अब सेल मत करो, सेल होगा नहीं, स्टॉक में गिरावट तो होगी ये मुझे पता है, तो भाई आप लोग को सेल करने कोई फ़ायदा भी नहीं। तो एक ही रास्ता यही और कुछ रास्ता नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो दोस्तों लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अलर्ट रहो और मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन देखते रहो मेरी वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो पर अलर्ट देता रहता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।